उत्तर प्रदेश के आगरा में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डेंटल एम्प्लॉयटोलॉजी की नई प्रतिनिधियों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में शहर के प्रमुख दंत चिकित्सकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यशाला के 3 सेशन में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। डेंटल एम्प्लॉयटोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। मैं डॉक्टर जमील बेग, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन। आज हम लोग जो इम्प्लांटोलॉजी के ऊपर एक हमने कार्यशाला आयोजित कराई है, इसमें डॉक्टर SS पांडे गुरुग्राम से आए हैं। और जो ये जो है, पहले जो दांत लगाते थे तो निकल जाते थे, मसाले के होते थे या दो दांतों को काट के जब हम ब्रिज लगाते थे। आज कुछ नहीं करना है, जबड़े की हड्डी में ड्रिल करना है और ड्रिल करके उसमें एक स्क्रू डालना है, स्क्रू के ऊपर दांत फिट करना है। जैसे नेचुरल टीथ होता है वैसे ही लगा दिया जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि आर्टिफिशियल टूथ है, केवल एक्सरे से ही पता चलता है। सीमा कितनी रहती है जो दांत नया लगाया जाता है, कितने दिनों तक काम कर रहा है? काफ़ी लाइफ लॉन्ग जितना 20-25 साल कुछ नहीं होता है, अगर ढंग से अगर पेशेंट का ओरल हाइजीन मेंटेन करे 20-25 साल तक कुछ नहीं होता है। और रिजॉर्प्शन सबसे मेन प्रॉब्लम होती है मैंडिबल में, नीचे के जबड़े में, कि पेशेंट की हड्डी खुल जाती है। इम्प्लांट रहने से वो हड्डी खुलती नहीं, पतली भी नहीं होती जाती। मैं डॉक्टर NS लोधी, प्रेसिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन आगरा ब्रांच। और यहाँ जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है वो अभी आफ्टरनून में कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाली है। डेंटल इम्प्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगरा या कहीं बाहर भी आज के समय में कोई भी डेंटल क्लिनिक ओपन होता है तो सबसे पहले वो डेंटल सेंटर के नाम से ही ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डे बाई डे जागरूकता बढ़ रही है, तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट पेशेंट को भी मिल रहा है और डॉक्टरों को भी मिल रहा है। क्योंकि जब तक पेशेंट ही जागरूक नहीं होंगे तो वो डेंटल इम्प्लांट के बारे में कोई जानकारी नहीं रखेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो पहले के समय जब लोग बत्तीस ही बनवाते थे तो उसको आरे में निकाल के रख देते, क्योंकि हमारे जबड़े के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो रुकती नहीं थी, तो खाने में हमारे बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है, समय बदल गया है, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। तो ये मॉडर्न इम्प्लांटोलॉजी का दौर चल रहा है, इस समय आप 10 से 12 इम्प्लांट ऊपर वाले जबड़े में डाल सकते हैं, 8 से 10 इम्प्लांट नीचे वाले जबड़े में डाल के आप पूरी 32 को 32 20 साल जैसी एज के पेशेंट की तरह हम आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाने में। और ये जो रिलेशन है जस्ट लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, ये लॉन्ग टर्म तक वर्क करता है। बस पेशेंट डायबिटिक ना हो, मसाला ना खाता हो, ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करता हो और ओरल हाइजीन अपना प्रॉपर मेंटेन करता हो। डॉक्टरों ने प्रतिवाद किया है? हाँ, एक्चुअली ये बहुत गौरव की विषय की बात है। आगरा में इस समय जो मुख्य स्पीकर हैं वो हमारे डॉक्टर SS पांडे जी हैं, तो उन्हीं को सुनने के लिए आगरा के जो मोस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं सारे लोग आए हुए हैं। आगरा के जो भी फाउंडर मेंबर हैं, हमारे सीनियर्स मेंबर हैं, सब आज यहाँ मौजूद हैं। ये सबसे खुशी की बात है, सारे लोग एक ही छत के नीचे इम्प्लांट को जानकारी करने के लिए। मैं डॉक्टर मनोज यादव, इंडियन डेंटल एसोसिएशन आगरा ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ। मनोज जी, आज वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, क्या पूरी जानकारी इसके बारे में? आज डेंटल इम्प्लांटोलॉजी के ऊपर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करा रहे हैं हम लोग, और इसमें गुरुग्राम से डॉक्टर SS पांडे, डॉक्टर अमित, डॉक्टर रोहित आए हुए हैं। और ये हम लोगों को जो लेटेस्ट टेक्निक से और ज़्यादा अपडेट करा रहे हैं। कितने सेशन्स होंगे सर और क्या कुछ खास? इसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तीनों लोगों के लेक्चर्स हैं, करीब एक एक डेढ़ घंटे के। और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है, उसके बाद हैंड्स ऑन का भी प्रोग्राम है जिसमें इम्प्लांट को डालते हुए लाइव टेक्निक भी दिखाई जाएगी। डेंटल इम्प्लांट में सर कितना लगभग खर्चे की अगर बात की जाए तो क्या? देखो, डेंटल इम्प्लांटोलॉजी जब स्टार्ट हुई थी जब ये कॉस्टली थी, लेकिन कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो कॉस्टली फेस होता है, उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे मार्केट में ग्रो करती है, फैलती है, जागरूकता फैलती है, नई नई कंपनियां और बढ़ जाती हैं, कंपटीशन बढ़ता है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है। पहले के टाइम में इम्प्लांट 25 से 40 हज़ार के बीच में आता था, आज की डेट में एक अच्छी कंपनी का इम्प्लांट 15 हज़ार से लेकर 20 हज़ार में भी अवेलेबल है।